हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ब्राइडल लहंगा लुक लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर है। सो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये खाड़ी साड़ी है, जो कि सिल्क की है और पेपर सिल्क हम इसको कहेंगे। इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा इस तरीके का है, पतला है। सो इसको वेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्कर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैचिंग हो। अब देखिएगा, ये जो पोर्शन है ग्रीन कलर का, साड़ी का पल्लू का पोर्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साड़ी का पल्लू का पोर्शन लूँगी और यहाँ पर अब मैं इन सारी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करूँगी। पल्लू हम सबसे पहले बनाएंगे और पल्लू की जो प्लीट्स बनाएंगे वो थोड़ा सा अगर हम छोटा रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। चौड़ाई में पल्लू की प्लीट्स हम छोटी ही रखेंगे, ज़्यादा चौड़ी हमें यहाँ पर नहीं रखनी है। और इनको अब मैं कुछ प्लीट्स में अरेंज करके सेफ्टी पिन लगाकर सेट करना चाहूँगी। तो इतनी लंबाई में मैंने पल्लू का पोर्शन जो है तो सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा अच्छी तरीके से। लंबाई में अगर हमारा पल्लू अच्छा होगा तो लुक भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। सो देखिएगा, अब जो बची हुई हमारी साड़ी है तो इन साड़ी की फैब्रिक को अब मैं प्लीट्स में अरेंज करूँगी। पल्लू का पोर्शन हमने छोड़ दिया है और बाकी की जो बची हुई फैब्रिक है साड़ी की, इसको अब हम कुछ इस तरीके से प्लीट्स में इसको अरेंज करेंगे। सो सामने की तरफ जो आप देख सकते हैं एकदम से अनइवन लुक लग रहा है, प्लेट्स भी अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये सिल्क की साड़ी है, खाड़ी साड़ी है। सो इसको हाथ से प्रेस करना ज़रूरी होगा आपको और थोड़ा सा सेट करना भी ज़रूरी होगा, तभी हमारा जो लुक आएगा वो एकदम से नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट कर लिया। अभी सेट करने के बाद आप जो भी हमारी प्लेट्स बनी हैं उसको मैं कमर में टक इन करना चाहूँगी। तो पल्लू का जो पोर्शन है उसको हमें राइट साइड में रखना है, लेफ्ट वाले साइड पे रखेंगे और वहीं से जो प्लेट्स हमने बनाई थी उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करते हुए टक इन करना चाहूँगी मैं, कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं पल्लू का पोर्शन पीछे की साइड में है और पल्लू का जो पोर्शन बनाया था वहीं से अब मैं इसको टक इन करना स्टार्ट कर रही हूँ। और बाकी के जो प्लेट्स है वो सिक्योर रहे, इसके लिए एक कपड़े की पिन मैंने इसको लगा ली है। आप भी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि प्लेट्स निकल सकते हैं, हाथ से छूट सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम प्लेट्स को बनाते हैं तब कुछ प्लेट्स निकल सकते हैं, हाथ से छूट सकते हैं। सो आपको फिर से प्लेट्स बनानी पड़ेगी, फिर से उसे अरेंज करना पड़ेगा। अब देखिएगा, इस तरीके से सेट करेंगे, थोड़ा सा इसको हमें फैलाना है, थोड़ा थोड़ा फैलाते जाएंगे। सो एक परफेक्ट लहंगा लुक आपका आएगा, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से एक जैसा आना चाहिए और इस तरीके से सामने का लुक आएगा। और पीछे की तरफ भी मैं कुछ इसी तरीके से इसको अभी बना लूँगी और पीछे की तरफ भी हम कुछ इस तरीके से इसको अब मैं सेट करूँगी। ये देखिएगा, सो ये हमारा लहंगे का लुक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, पीछे से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो पल्लू का पोर्शन हमारा है उसको अब हम लेंगे और अगर आप चाहे तो आगे पीछे करना चाहे तो स्कर्ट घुमा सकते हैं कमर पे चारों ओर। अब मैं इसको जो हमने पल्लू का पोर्शन बनाया था उसको अच्छी तरीके से सेट करते हुए पीछे से कुछ इस तरीके से लेना चाहूँगी और लेते हुए राइट वाले शोल्डर पर मैं एक पिन लगाकर इसको सेट कर दूँगी। सो इस तरीके से पल्लू का पोर्शन आप देख सकते हैं छोटा ही हमने लिया है और एक वेस्ट बैंड ज़रूर लगाएंगे ताकि एक अच्छा लुक हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक परफेक्ट जो लहंगा है हमारा क्रिएट हो चुका है, पीछे से भी ये लुक आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा यहाँ पर आया है। एक ब्राइडल लहंगा ड्रेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।